बताने की जली डाल कर ठंडी ठंडी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमजान आ रहा है, ट्राई जरूर करना। देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और साथ में जेली भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए आज मैंने बारीक साबूदाना 1 कप लिया है। इसे 2-3 पानी से धोकर भिगो लेंगे बस आधे घंटे के लिए। साबूदाने के ऊपर 1 इंच पानी आए उतना ही पानी रखेंगे और दूसरी तरफ आधा कप सब्जे के बीज भिगोएंगे। मतलब ये मेरा कप 1/4 कप है, उससे मैंने आधा कप लिया है और ये सब्जे के बीज भीग कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसे तुप मलंगा भी कहा जाता है। इसमें बड़ी कटोरी भर के पानी डालकर रखेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाएंगे क्योंकि ऊपर के बीज ऊपर रह जाते हैं और नीचे भीग जाते हैं। इस तरह से चम्मच चलाने से सारे बीज एक जैसे भीग जाएंगे। और इधर गैस पर मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क गरम रखा है। देखिए दूध में उबाल आ रहा है, मैंने गैस का फ्लेम कम कर लिया है और हमने ये जो साबूदाने भिगोए हैं ये डालेंगे, थोड़े थोड़े करके मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे, साबूदाने ट्रांसपेरेंट होने तक पकने देंगे। अब इसमें मैं आधा कप भरकर चीनी डाल रही हूँ। आप अपने मीठे टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के पिघलने तक पकाएंगे। देखिए ये बन गई हमारी साबूदाने की खीर। अब इसे ढककर रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद फ्रिज में रख लेंगे क्योंकि ये खीर हम लोग ठंडी ठंडी बना रहे हैं। चलिए अब जेली बनाते हैं। जेली बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें 750 ml पानी डाल रही हूँ, मतलब 1/4 लीटर, और अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। आज मैं जेली ये चाइना ग्रास से बना रही हूँ। वैसे 10 ग्राम चाइना ग्रास 1 लीटर पानी या दूध के लिए यूज़ किया जाता है। मैं थोड़ी सी हार्ड बनाना चाहती हूँ इसलिए पानी थोड़ा कम ली हूँ। चलिए पानी को गर्म रख लेते हैं। देखिए पानी में उबाल आ रहा है, अब ये चाइना ग्रास इसमें डाल देंगे और पूरे पिघलने तक कम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए पूरी ग्रास पिघलकर पानी में मिक्स हो गई है। चलिए अब इसमें आधा कप उतनी चीनी डाल लेंगे। अभी भी चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी के पिघलने तक पकाएंगे। आप जो चाहें वो कलर की जेली बना सकते हैं। आज मैं लाल कलर की जेली बना रही हूँ इसलिए इसमें 4 ड्रॉप लाल कलर मिक्स कर रही हूँ। और हमने जो सब्जी के बीज भिगोए हैं इसमें से 2 चम्मच इसमें डालूंगी और 5 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। ये हमारा जेली वाला पानी तैयार हो गया है। अब इस पानी को इस प्लेट में पोर कर देते हैं। आपको जेली पतली चाहिए या थिक चाहिए उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी प्लेट में डाल सकते हैं। ये मेरी जेली एक बड़ी प्लेट भर के और एक छोटी प्लेट भरकर बनी है और ये जेली सॉफ्ट वाली जेली है, मतलब चाइना ग्रास से बहुत ज़्यादा हार्ड वाली जेली नहीं बनती है। अब इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में आने देंगे। ये देखिए हमारी जेली सेट हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। वैसे खीर में खाने के लिए छोटे छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं, आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। जेली को तो मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। चलिए अब इसे निकाल कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने परफेक्ट निकल रहे हैं। और मैंने जेली में भी थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाला है और मैंने दोनों प्लेट को कट कर लिया है। मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जेली रोज फ्लेवर की बनाई है। एक्चुअली इसका ढक्कन ढीला था तो मैंने इसे दूसरे बॉटल का ढक्कन बिठाया है, इतना टाइट है ओपन ही नहीं हो रहा है। चलिए ओपन हो गया। दो तीन बड़े चम्मच डालेंगे। ये देखिए ये सब्जी के बीज मैंने भिगोए थे, कितने सारे भीग गए हैं और ये काफी ठंडे होते हैं और काफी हेल्दी भी होते हैं। आप मन चाहे पूरा भी डाल सकते हैं या तो फिर आधा भी डाल सकते हैं। चलिए इसमें जेली डाल देते हैं। देखिए 1.5 लीटर दूध की खीर में जेली मिलाने के बाद बर्तन तो पूरा भर गया है और मैंने इसे फ्रिज में रख के पूरा ठंडा भी कर लिया है। चलिए इसे ठंडा ठंडा परोसते हैं। गर्मी के दिन आ रहे हैं, आप इसे बनाकर रख कर मेहमानों को भी दे सकते हैं। ठंडी ठंडी मीठी मीठी खीर खाने के बाद एनर्जी आ जाएगी।
और रमज़ान का महीना भी आ रहा है, रोज़े रखेंगे और इफ्तियारी में ऐसे अच्छे डिश बनाकर खाएंगे। और ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमेशा की तरह वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं और एक अगली वीडियो में और एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।